संत गाड़गे बाबा की जयंती पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। जनपद कन्नौज में संत गाड़गे बाबा की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर संत गाड़गे बाबा की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर उन्हें याद किया गया। उनकी जयंती पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। वहीं एक संत पुरुष थे, उन्होंने समाज को नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है, शिक्षित बनना हर व्यक्ति का सपना, जो संत गाड़गे बाबा ने शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि उन्होंने समाज को सुधारने का काम किया था। उनका संदेश था, जहां पर अंतिम सांस हमारी हो हमें वहीं दफन किया जाए, हमारी मूर्ति ना बनाई जाए। उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कन्नौज पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनपद कन्नौज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर बाबा की जयंती को मनाया, जिसमें जिला अध्यक्ष कलीम खान, जिला उपाध्यक्ष राजेश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजीव कटियार समेत सुबोध त्रिपाठी, कश्मीर पाल शर्मा, अनुदध पाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता सूरज सिंह की खबर। कार्यालय में गाड़गे जी महाराज की जयंती मनाई, किस तरह से मनाई गई है? आज संत गाड़गे जी की जयंती जो है हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से मनाई। उन्होंने हमेशा समाज सुधारने का काम किया है, और उन्होंने ये संदेश दिया था कि जहाँ पे हमारी अंतिम सांस हो आप वहीं हमें दफन कर देना, और हमारी ना मूर्ति बने और ना कुछ, हमारे जो कार्य हैं उनकी प्रेरणा लेके छात्र नौजवान आगे बढ़े। जिंदगी में अगर रोटी भी ना खाने को मिले, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी जयंती मनाई। चूँकि आज हमारे जिला महासचिव जी के पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए साधारण तरीके से हम लोगों ने जयंती मनाई। तो गाड़गे जी की जयंती पर सपा उनके सम्मान में किस तरह का आगे कार्य करेगी? हम लोग जो मूर्ति पूजा है, जो धार्मिक संस्कार हैं, उनके परे रखकर शिक्षा को महत्व देकर और आने वाले पीढ़ी जो नवनिहाल है हमारे, उनको शिक्षा की ओर अग्रसित करके देश और प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम करेंगे।